मानसून सक्रिय होने के बाद किसान जहां खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं जिले के गन्ना किसान भी गन्ने के फसल को निकालकर फिर एक बार धान की फसल की ओर रुख कर रहे हैं। किसानों द्वारा अचानक फसल बदलाव होने से जिले में जहां गन्ना फसल का रकबा घट रहा है, वहीं जिले में धान के रकबा बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। पूरे मामले में किसानों की माने तो जिले के एकमात्र सहकारी दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना के बार बार खराब हो जाने के बाद किसानों के द्वारा लाया गया गन्ना कारखाने में 7 से 10 दिन तक डंप रहता था, जिससे किसानों को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं गन्ना डंप होने के चलते वजन भी कई किलो कम हो जाता था, जिससे गन्ना किसानों को हजारों रुपए की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता था। यही वजह है कि अब जिले में गन्ने की खेती से परेशान होकर किसान अपने परंपरागत धान की खेती की ओर रुख करने लगे हैं, जिसके चलते अब कारखाने को चलाने के लिए कारखाना प्रबंधन को एक बार फिर गन्ने की कमी से जूझना पड़ेगा। हमारे यहाँ बालोद जिला में दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना जो संचालित है, उसका संचालन सही तरीका से प्रशासन नहीं कर पाते। पिछले समय क्रशिंग सीजन में जनवरी से लेकर मार्च के बीच में 7 से 8 बार बॉयलर फटना या बहुत सारे तकनीकी खराबी के कारण कारखाना कई बार बंद की स्थिति में रही है। वो सब देख के किसान मना गन्ना के फसल से रुचि हटते हुए फिर से धान के फसल की तरफ वापस जाते, तो कहीं ना कहीं हमें कारखाना प्रबंधन के नाकामी है कि वहाँ के जो संचालन है, मशीन के रख रखाव, मशीन के संचालन, ये सही तरीके से कर नहीं पाते थे। कारण किसान मन के रुचि गन्ना फसल से हट के फिर से धान के फसल की तरफ किसान मन वापस मुड़त जावा थे। सर, अब यहाँ गन्ना के जो फैक्ट्री शक्कर कारखाना है वो सही ढंग से नहीं चल पाते, बार बार बीच में बंद हो जाते। हम अपन गन्ना के जो कटाई होकर के रखे रहन गाड़ी वहाँ ले जाके 7 दिन 8 दिन तक के खड़े रहते, कई बार खाली करे में तकलीफ हो जाते, ओकर से हमन ला बहुत नुकसान होते, वजन में बहुत अंतर आ जाते। किसान मन ला नुकसान उठाए कारण गन्ना फसल ला छोड़ के अब धान के तरफ आगे बढ़ जाते। वहीं कृषि विभाग की माने तो किसान फसल चक्र में परिवर्तन को लेकर गन्ने की जगह अन्य फसल लगाने की बात कहते हुए गन्ने की खेती के रकबे में कमी से इनकार करते हुए इसमें और बढ़ोतरी होने की बात कहते नजर आए। Clipper 28 के लिए बालोद से जागेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Clipper 28